प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से ही है। इसमें कहा गया है कि आकृति 6.40 में AB बराबर है AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बनाई गई भुजा CB पर स्थित ई एक बिंदु है। बहुत सारी बातें एक ही सेंटेंस में कह दिए। क्या कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ABC एक त्रिभुज है समद्विबाहु, भुजा AB और AC बराबर है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये AB और AC आपस में बराबर है। अब देखो भुजाएं जब AB और AC बराबर होगी तो कोण भी बराबर होंगे। AB के सामने C कोण और AC के सामने B कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे क्या गया है, कहा कि BC को बढ़ा दिया गया है ई तक, BC को बढ़ा दिया है ई तक, तो CB को इस तरह से ई तक बढ़ा दिया गया है। अब आगे कहा गया है तो ई इस पे एक बिंदु है, AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो पहले इसको और हम देखते हैं, इसको और हम देखते हैं, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD यानी कि ये वाली त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ECF के इस वाले त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज बनेगी कंफ्यूज मत होना इससे, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, इनके लिए हमें चेक करना है। अब आप अगर ध्यान से देखें जो त्रिभुज ABD है तो इसमें जो डी कोण होगा क्योंकि AD लंब है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारा डी है वो 90 डिग्री का है और जो EF भी तो लंब है तो जो कोण F होगा वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो दो कोण बराबर हो गए। अब दूसरी बात, अब देखो ABD में और ECF में कोण B और कोण C बराबर है, ABD का कोण B और ECF का कोण C बराबर है, कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज है AB AC के बराबर है तो कोण B और कोण C बराबर हो गए क्योंकि सब समान भुजाओं के सम्मुख कोण B बराबर होते हैं, तो कोण B और कोण C भी बराबर है, दो कोण बराबर हो गए, तो AA समरूपता नियम के हिसाब से हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, तो हमने शुरू करते हैं इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया क्या है, हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दी गई है ABC जिसमें AB और AC बराबर है, उसके बाद त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E है और क्या है AD लंब है BC पर तथा EF लंब है AC पर। हमें प्रूव करना है कि ABD समरूप है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में ABD में और ECF में ये कोण 90 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण इस पर 90 का बनाना है हमें, तो ABB कोण ADB बराबर है कोण, ये कोण है तो EFC कोण EFC या सिंपली आप कोण डी और कोण एफ बी कह सकते हो या फिर इनको नाम दे दो, जैसे इस कोण को नाम 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो, इस कोण को हम नाम दे देते हैं 1 कोण और इस कोण को हम नाम दे देते हैं 2 कोण, तो आप कह सकते हो कि कोण 1 बराबर है कोण 2, क्या नियम लगा, ये समकोण है दोनों। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ABD में जो बी कोण है बी है क्योंकि ये तो एक ही बनेगा, तो कोण बी बराबर है और EFC इसमें या फिर ECF एक ही बात है, तो इसमें जो कोण सी है ये दोनों तो आपस में बराबर है, क्यों, क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण,
तो बराबर भुजाओं के समूह कोण हो गए हमारे पास। अब आप देखेंगे एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए, तो इसका मतलब कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं हम कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, तो ये आंसर आ गया। आगे भी चल सकता है किन्हीं भुजाओं के अनुपात के बारे में भी पूछ सकता था कि, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।